नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के आदेश पर एक बार फिर से बिहार में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। साल 2024 शुरू हो चुका है और जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन जनवरी का ये महीना बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ा ही दुख देने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि जनवरी का ये पूरा महीना बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छा नहीं गुजरने वाला है, क्योंकि के पाठक ने एक बार फिर से जोर का धक्का दे दिया है। अब ये धक्का क्या है वो हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि बिहार के किन शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, और मास्टर प्लान बनाने का जो निर्देश दिया गया था वो निर्देश नहीं मानने का खामियाजा अब इन्हें कैसे भुगतना पड़ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के निर्देश पर मास्टर प्लान नहीं बनाने वाले हाई स्कूल के प्रधान अध्यापकों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। विभाग ने उनके जनवरी महीने के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। कैमूर के जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने जिले के ऐसे हेडमास्टरों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है जिन्होंने स्कूल का मास्टर प्लान तैयार नहीं किया। इस आदेश के बाद जिले के हेडमास्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। अब पत्र में क्या लिखा है वो भी हम आपको समझाते हैं। पत्र में लिखा गया है कि कैमूर भ्रमण के दौरान ACS के पाठक द्वारा छात्र कोष और विकास कोष की राशि से विद्यालय विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन कर क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 5 जनवरी की समीक्षा बैठक में पाया गया कि निर्देश का अनुपालन शून्य है। यह भी कहा गया कि इससे प्रधानाध्यापकों की स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन और अपने दायित्व निर्वहन के प्रति अनिच्छा जाहिर करती है। अब देखिए, सभी प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 8 जनवरी तक कहा गया है कि आप अपना जवाब दीजिए। समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। साथ ही जनवरी 2024 का वेतन जो है स्थगित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो ये तमाम बातें डीएम की ओर से जारी किए गए पत्र में लिखी गई है, और सबसे अहम बात यह कि मास्टर प्लान जो तैयार करना था उस प्लान को तैयार करना, या यूं कहें कि जो निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से के पाठक की ओर से जारी किया गया था, कैमूर के कई हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों ने क्या किया कि इस नियम को हल्के में लिया, के पाठक के इस निर्देश का गंभीरता से पालन नहीं किया, और इसका नतीजा ये हुआ है कि इस महीने की सैलरी उनकी नहीं आएगी, वेतन पर रोक लगा दी गई है। मतलब साल का जो पहला महीना है वो शून्य रहा। बिहार के कई ऐसे हेडमास्टर हैं, खासतौर पर कैमूर जिले की जहां की हम बात कर रहे हैं, वहां के कई ऐसे हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं जिनका ये जो महीना है 2024 का जनवरी महीना काफी खराब गुजरने वाला है, और इस खराब गुजरने के पीछे का कारण के पाठक का निर्देश नहीं मानना है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।